प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पाक विदेश मंत्री ने मोदी को कसाई कहा, बयान के विरोध में भाजपा का देश भर में प्रदर्शन। राहुल बोले, चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही। भाजपा नेता बोले, सोनिया प्रियंका इन्हें पीटे ताकि इनमें देश के लिए वफादारी आए। सीजीआई ने बिजली चोरी के दोषी को रिहा किया, बोले कोई केस छोटा नहीं। रिजिजू ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट छोटे नहीं, संवैधानिक मामले सुने। आंध्र में टीडीपी वाईएसआर कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, पालनाडु में दोनों पार्टियों के वर्कर्स ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, 2024 तक भारत में सड़क का बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा। अलीगढ़ में अनियंत्रित कार ने महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत। औरैया में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते धर दबोचा, रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी बीएसए पहुंचे सलाखों के पीछे। हमीरपुर में शादी में दिया गया अनोखा दहेज, शादी में दूल्हे को दहेज में मिला बुलडोजर, शादी में दिया गया बुलडोजर बना चर्चा का विषय। अखिलेश यादव के कानपुर आगमन से पहले सियासत गर्म, इरफान सोलंकी के समर्थन में अमिताभ वाजपेयी ने जारी किया पोस्टर। आयकर के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन का कारावास, अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने सुनाई सजा। सुपर हीरो और एस्ट्रोनॉट की कॉस्ट्यूम में दिखे ट्रंप, पैसे कमाने के लिए पूर्व यूएस राष्ट्रपति ने खुद के डिजिटल कार्ड्स रिलीज किए। मलेशिया में लैंडस्लाइड, 16 लोगों की मौत, मरने वालों में 5 साल का बच्चा, मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश जारी। प्रिंस हैरी का आरोप, बोले किंग चार्ल्स ने कई बार बोला झूठ, मीटिंग में सबके सामने चिल्लाए प्रिंस विलियम। रूसी हमलों से यूक्रेन में छाया अंधेरा, राजधानी कीव में भी दागी गई मिसाइलें, कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका। बाढ़ की तबाही से जूझ रहे पाकिस्तान ने मांगी मदद, अगले साल तक चाहिए 4 लाख करोड़, विदेश मंत्री भुट्टो ने यूएन चीफ से की मुलाकात। भारत बांग्लादेश पहला टेस्ट, दूसरी पारी में बांग्लादेश का स्कोर 75-0, इंडिया के ने दिया 513 रन का टारगेट। शतक के बावजूद टीम से बाहर होंगे शुभमन गिल, दूसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा। मेंस टी20 का सबसे छोटा स्कोर, विगवेस लीग में सिडनी 15 रन पर सिमटी, 5 बल्लेबाज खाता नहीं खोल सके। मोरक्को अब भी रच सकता है इतिहास, पिछली बार की फाइनलिस्ट क्रोएशिया में ब्रांज मेडल का मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे रोहित, अंगूठे की चोट से उभरे, जल्द टीम के साथ जुड़ेंगे। उर्वशी ने मेरा दिल ये पुकारे आजा पर बनाया वीडियो, यूजर्स ने किया ट्रोल, कहा पंत अभी बांग्लादेश में है। रकुलप्रीत को ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन, ईडी ने 19 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सोनम कपूर ने एयरपोर्ट लुक से किया इंप्रेस, स्टाइलिश लुक में दिखी नोरा फतेही।
शाहरुख की पठान को गुजरात में बैन करने की मांग। बीएचपी और बजरंग दल ने कहा कुछ बुरा हुआ तो थिएटर मालिक होंगे जिम्मेदार। पठान मूवी के हक में उतरी दिव्या दत्ता। एक्ट्रेस बोली, लोग बॉलीवुड को सपोर्ट करें लेकिन हर चीज का मुद्दा बनाना सही नहीं। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।